सरपंच के सामने ले जाते हैं गांव में।
वासियों बताओ, अपने पंचायत में कुछ कमी रह गई है, कहाँ विकास करना है, कहाँ बाकी रह गया है। मेरे हिसाब से तो गांव का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। अब तुम्हें कोई कमी दिख रही है तो बताओ। तालाब बनवा दो हमारे खेत में। तालाब बना देंगे तो फिर खेती कहाँ करेगा बे? मैं मछली पालूंगा। और खेती कहाँ करेगा? बर्रा बनवाऊंगा खेत में। खेत में बर्रा बनवाएगा? नहीं, बर्रा में खेत बनवाऊंगा। अच्छा, बर्रा में खेत। हमारे पास क्रिएटिव किसान भी है, खेत में बर्रा बना देंगे। चलो ठीक, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़ा जय सेवा, जय बड़ा सेवा। चलो भाई, चलो भाई। तो सरपंच साहब, ये हमारा पूरा खाना खा लिया है और इधर उधर पूरा सामान फेंक दिया साहब, तो इसके साथ क्या किया जाए आप बताइए साहब। अच्छा, तो इसने तुम्हारा खाना खाया है? हाँ साहब। बहुत बड़ी गुनाह कर दिया है। खाना खा लिया इसने, पूरा खाना खा लिया। हाँ हाँ साहब, पूरा सरपंच साहब, पूरा देख रहे हो पेट, पूरा खा लिया साहब, पूरा खाना खा लिया। और क्या दिया इसने? और वही पूरा सब तो बना था, खाना मिला सब देखते थे। क्या बनाए थे? क्या बनाए थे सब? मैगी बनाए थे हम लोगों ने, वही एंजॉय कर रहे थे बंजर किनारे। तो साहब आया जंगल से, पूरा हमारा खाना खा लिया। तो इसको सजा देना है? सब्जी के हिसाब से सजा दिया जाए। सब्जी के हिसाब से? क्या सब्जी बनाए थे? सरपंच साहब मैगी बनाए थे। अच्छा, मैगी बना था यार, मैगी बना था। कोई नया आइटम? हाँ मैगी। सब्जी है क्या? नहीं, सब्जी नहीं होगा यार, कुछ होगा, देखना पड़ेगा। खैर, तो इसको क्या सजा दें हम बताते हैं इसका। देखो इसकी क्या सजा है खाना खाने के हिसाब से। बर्तन मांजने की। बर्तन मांजने की सजा? इसको सजा दिया जाए? जी सरपंच साहब बताइए कौन सजा दिया जाए। काम करो, इसने बहुत बड़ी गुनाह कर दी। अकेला ही खाया, इसके और भी साथियां साहब अकेला ही है अभी। अकेला है ओके साहब, हमें जल्दी से न्याय दिला दो, इसका क्या करना बता दो। आप करेंगे भाई? क्या कर रही? बात ये है कि ऊपर से आदेश है कि अपन को है तो गांव में जाना है और गांव के लोगों को सतर्क करना है। दिवाली का टाइम है अभी, तो अधिकांशतः लोग हैं तो या तो जंगलों में या नदी के पास में, मतलब पाए जाएंगे तो मिलेंगे वहां पर, क्योंकि है तो अभी गांव में है तो गाय बैल खुद ही मतलब चराने के लिए ले जाते हैं, तो उनसे मुलाकात मतलब जंगलों में या नदी के पास ही वहीं पर है तो मिलना होगा, इसलिए अपन लोग इधर पर आए हुए हैं, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपन जो है तो अभी उच्च उच्च क्वालिटी के जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इससे अनावश्यक पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वो इससे क्या है तो अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य आने वाली मतलब पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अपन को तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में मतलब इतना मतलब वायुमंडल में इतना प्रदूषण फैल जाएगा है तो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, ये बात तो सही है सर। तो बस यही मतलब उद्देश्य है कि अपन लोगों को है तो जागरूक करें कि अनावश्यक फटाके का इस्तेमाल ना करें। जी, बस यही है तो आदेश देना, मतलब उनको जानकारी देना है। जी, बस इसी कारण से आए हैं। जी, वही मैं सोच रहा था सर कि आज जंगल तरफ मावना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस हिसाब से घूम रहे हैं इधर, मैं वही पूछना चाह रहा था, लेकिन अब टाइम नहीं मिला तो पूछ भी नहीं पाया। अब टाइम मिला तो मैं सोचा थोड़ा सा पूछ लूं कि इधर अभी जंगल तरफ क्यों आ रहे हैं। तो तुम्हारा कहना भी सही है। तो हवलदार साहब, अपन बाप बन गए, मिठाई कब खिला रहे हो ये बताओ।
ठीक है साहब, खिला दूंगा साहब, अभी पूरा चौकिंग मतलब खाने तक। अच्छा ये बताओ, बाप बाप बनने की हम इतनी अच्छी खुशखबरी बता रहे हैं लोगों को, तुम बाप क्यों रहे हो यार, ये बताओ। सारा थोड़ा सा शर्म सी आके मुझे ऐसे बोली। सरपंच साहब, बदरिया थाने से पांडे जी आए। अरे इंस्पेक्टर पांडे सर। अरे सर महोदय। और सर कैसे आना हुआ यहाँ? बस दिवाली का समय चल रहा है यार, तो हम थोड़ा सतर्क लोगों को जागरूक और सतर्क करने के लिए आए। अरे पांडे जी बहुत सही टाइम पे आए हो आप लोग। बताइए। अरे ये देखिए हमारे गांव वासियों ने इनको ला लिया है पता नहीं कहाँ से। अरे ये तो मुझे मतलब जंगलों में रहने वाले प्राणी लग रहे हैं यार मुझे तो। बॉस की चड्डी में घूम रहे हैं ये प्राणी। हमारे SPA साहब को सब दिख जाता है। हाँ साहब ये देख रहे हैं आप, बिग बॉस की चड्डी में है। इनका क्या करना है? मैं तो इन्हें एक कमरे में बंद करवाने वाला था इंस्पेक्टर साहब। नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है भाई, ये हमारे है तो वनों को मतलब संरक्षित रखते हैं। अच्छा। हाँ वनों को बचाते हैं ये, मतलब वन ही में मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, तो इन्हें मतलब पूरी आजादी है वनों में रखने की, मतलब इन्हें हम किसी भी प्रकार की सजा नहीं दे सकते। आपने तो मतलब बहुत गलत किया है, तो इन्हें सजा दे करके इन्हें मतलब जहाँ से पकड़ कर लेकर आए थे वहीं छोड़ दीजिए। अभी हमने इनको सजा नहीं दिया है। अच्छा। सजा हम सुनाने वाले थे, परंतु इंस्पेक्टर साहब ये बताइए हमारे गाँव वासियों का नुकसान कौन सहेगा? शासन बैठा है वो इन्हें सजा नहीं देते, पर हमारे गांव वासियों का मुआवजा, गांव वासियों का मुआवजा कौन देगा? अरे इसलिए सरपंच साहब हमारे मतलब अपने शासन है, जो भी है जिस किसी का भी नुकसान हुआ है वो है तो थाने में आकर है तो अर्जी देते नुकसान हुआ है वो हम शासन तक पहुंचाते हैं। अच्छी बात है। मैगी का नुकसान हुआ है सर। मैगी का नुकसान हुआ है इंस्पेक्टर साहब, मैगी का। कोई बात नहीं ना भाई, साहब आपको मैगी चाहिए तो मिलेगा भाई। आप है तो साहब इनको कड़ी से कड़ी सजा दो साहब, हमारी पूरी मैगी खाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात कर रहे हो भाई तुम तो। क्या सर? ये भाई अपने है तो जो वन है जंगल है उसे संरक्षित करने वाले प्राणी है भाई, इन्हें है तो किसी प्रकार से मतलब इन्हें क्षति नहीं पहुँचा सकते, अपन इन्हें जहाँ से पकड़ कर लेकर आए थे जंगल से वहाँ उनको छोड़ दिया जाएगा। सर हमारा मैगी कौन देगा सर? उसके लिए शासन बैठा है, मतलब नुकसान हुआ है उसकी अर्जी थाने में तो दे दीजिए, उसका भरपाई है तो शासन को दे। इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें जहाँ से पकड़ कर लेकर आए थे वहाँ छोड़ दो, और क्योंकि इन्हें तो मतलब पूरा रहने का स्वतंत्रता है इन्हें। ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।